सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, राजन जैसे भगवान ने अघासुर को मारा, ये गोपाल लोग एक साल बाद जा करके अपने अपने घर में कहते, मैया आज कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया, एक राक्षस को मार दिया। अब यहाँ पर सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने पूछा, एक साल बाद क्यों बताया? तो सुखदेव जी कहते हैं, यहाँ पर जब भगवान ने अघासुर का वध किया, उसके बाद ये सब लोग वनभोज करने के लिए बैठ गए और सबके घर के भोजन निकाला और भगवान ने सबके घर के भोजन ग्रहण किया, खा रहे थे। और उसी समय में, उस समय भगवान ने देखा एक सखा, मधुमंगल नाम का सखा है ही नहीं, तो ढूंढने चले गए, बछड़ा को एक तरफ रखा। जैसे ढूंढने चले गए तो वो मधुमंगल अपने घर से मठा लेकर के आए थे, बहुत दिन का रखा हुआ था, स्वयं पान कर रहे थे। और पान कर रहे थे, भगवान ने देखा ये तो पूरा खत्म कर दिया मठा, तो भगवान ने जा करके गाल से चाट लेते हैं, बगरा हुआ था, पीते पीते गिर गया था, भगवान ने गाल चाट लिया। और ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा और सोचने लगे, ब्रह्मांड के पति भगवान स्वयं आज ग्वाल वाल के ये सखाओं के जूठा खा रहे हैं, ये भी भगवान हो सकते हैं। परीक्षा करने के लिए बछड़ों को लेकर के चले गए और भगवान ने बछड़ा को ढूंढा, तो उसके बाद बछड़ा नहीं मिले और सखाओं से कहते, मैं थोड़ा ढूंढ के आता हूँ। तो इतने में सभी सखाओं को भी लेकर के चले गए। और उसके बाद ब्रह्मा जी का ये कार्य भगवान को पता चला और उस दिन भगवान कृष्ण जी स्वयं ही ग्वाल बाल बनते हैं, स्वयं ही बछड़ा बनते हैं, स्वयं ही उनके अपने सखाओं के वस्त्र बन जाते हैं। आज भगवान कृष्ण लाठी बन गए, आज भगवान कृष्ण बछड़ा बन गए, गोपाल बन गए। और जैसे उन लोग का वस्त्र था, सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो भवो, पूरा ब्रजमंडल आज विष्णुमय हो गया। तो आज के दिन जैसे भगवान चले गए, तो वृंदावन में सभी माताओं ने अपने बच्चों को खूब प्यार किया, जैसे कृष्ण को करते थे। और गाय ने अपने बछड़ों को चाटना प्रारंभ किया, क्योंकि बछड़ा आज वो बछड़े नहीं थे, साक्षात भगवान थे। तो पूरा ब्रजमंडल कृष्णमय हो गया। तो भगवान जाकर के ब्रह्मा जी का मोह नाश कर देते हैं। यहाँ पर जैसे भगवान ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा के ही स्वरूप बना करके चले गए, और द्वार में द्वारपाल खड़े थे, द्वारपालों से कहा, देखो आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, अगर वो आ गए तो अंदर प्रवेश करने मत देना, बोलना हमारे स्वामी तो अंदर विराजमान हैं। अब ये द्वारपाल ने मान लिया। और उसके बाद ब्रह्मा जी महाराज के आसन में जाकर के भगवान स्वयं ब्रह्मा बन के विराजमान हैं। और जैसे ब्रह्मा जी, असली ब्रह्मा जी आए, द्वारपाल ने कहा, कहाँ जा रहे हो? हमेशा अच्छे से सम्मान से अंदर लेकर के जाते थे, आज सीधा सवाल किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये क्या हो रहा है, तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? और उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो तुम्हारे मालिक हूँ, मुझे अंदर जाने दो। उन्होंने मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अंदर तुम्हारे मालिक अगर अंदर विराजमान है तो एक बार दर्शन करना है।
भगवान से पूछ करके ब्रह्मा जी को अंदर लेकर के चले गए। ब्रह्मा जी जैसे जा करके देखते हैं भगवान अपने आसन में विराजमान है, बहुत क्रोधित है। मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो साक्षात भगवान हैं, आप तो लक्ष्मीपति हैं, और आपने वृंदावन में आकर के गाय बछड़ा चराया, आप गौ माता के सेवा करते हैं, परंतु मैं आपको समझ नहीं सका, आपकी माया के कारण मैंने आपके ऊपर शंका किया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। 40 श्लोक में दिव्य स्तुति किया, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अब जैसे ब्रह्मा जी महाराज मनाने की कोशिश करते हैं, भगवान खुश नहीं हो रहे हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं, अब ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया, मैं भगवान की तारीफ करता जा रहा हूँ, भगवान खुश नहीं हो रहे हैं, हो सकता है भगवान के भक्तों का तारीफ करूं तो ये खुश हो जाएं। अब भक्तों का तारीफ करना प्रारंभ कर दिया, प्रभु अहो भाग्यम अहो भाग्यम, आपके जो सखा है गोपाल लोग है, आपके साथ में बछड़ा चराते हैं, माखन चोरी करते हैं, आपके साथ में खेलते हैं, खाते हैं, उनके भाग्य का मैं कैसे वर्णन करूं, कितने भाग्यशाली हैं। यन मित्रम परमानंदम, जो परमानंद के आपके मित्र हैं और आप भी उनसे मित्रवत व्यवहार करते हैं, और वो लोग तो वास्तव में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। प्रभु आप भी मेरे ऊपर कृपा करिए ना, आप भी अगर मुझे कभी कुछ बनाना हो तो आप ब्रज के आपके सखा के रूप में मुझे भी बनाइए, मुझे ब्रह्मा का ये पद नहीं चाहिए, मुझे आपके सखा बनना है, इतना संभव नहीं है, तो ब्रज के कण बना दीजिए, ब्रज के धूल बना दीजिए। भगवान फिर भी खुश नहीं हुए, भगवान क्रोधित हैं अभी भी। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, ब्रह्मा पद देहु औरन को हमहु करो ब्रजग्वाल। हे प्रभु, आज ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कर जोरे ब्रह्मा खड़े, हाथ जोड़ करके खड़े हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, किसी और को ब्रह्मा बना दीजिए, मुझे ब्रज के ग्वाल बना दीजिए, ब्रज के गोपाल बना दीजिए, आपके साथ में गाय चराऊंगा। भगवान फिर भी खुश नहीं हुए, तो अब ब्रह्मा जी ने सोचा, भगवान तो प्रसन्न हो ही नहीं रहे, अब क्या करूं। फिर उसके बाद इत्यभिष्टुय भूमानम त्रिपरिक्रम्य पादयः, तीन बार भगवान का परिक्रमा कर दिया, प्रदक्षिणा तीन बार किया। अब राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ब्रह्मा जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी हैं, वेद का ज्ञाता है, इनको नहीं पता क्या भगवान का तीन बार परिक्रमा करना चाहिए कि चार बार करना चाहिए। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन इस समय में ब्रह्मा जी बहुत डरे हुए थे और उन्होंने जल्दी जल्दी में तीन बार परिक्रमा करके वहां से निकल गए, और असली ग्वाल वाल असली गोपालों को और असली बछड़ा को लेकर के यहाँ चले गए भगवान वृंदावन में। उसके बाद ये गोपालों ने एक साल बाद, ये सब बीच के समय में एक साल व्यतीत हो गया था, एक साल बाद उन्होंने कहा भगवान ने अघासुर का वध किया।